नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं आपका यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल में। जैसा कि मित्रों, हम लोग सोशल मीडिया के सीरीज में बात कर रहे हैं। किसने बात कर रहे हैं? सोशल मीडिया के सीरीज में बात कर रहे हैं। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो इंस्टाग्राम का। आज के समय में हमारे लाइफ में जो इंस्टाग्राम फेसबुक ना चलाता उसको लोग क्या समझते हैं? गंवार। सीधी सी बात समझो, क्या समझते हैं उसको लोग? गंवार समझते हैं। तो आप लोगों को इंस्टाग्राम और फेसबुक चलाना कंपलसरी है, नॉट ओनली फॉर विजिटिंग एज ए फ्रेंड्स, नॉट एकदम फ्रेंड्स के ये लिए ही नहीं हम लोग जो है फेसबुक यूज कर सकते हैं। हमारे पास अन्य चीजें हैं, किसी कंपनी से, किसी कॉलेज से, किसी संस्थान से, एक ग्रुप से जुड़ने के लिए भी हम लोग फेसबुक का यूज करते हैं दोस्तों। लाइव हम लोग लाइव चैटिंग कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, काफी चीजें उसमें इन्वॉल्व है। तो उसी तरीके से एक हमारा होता है इंस्टाग्राम, जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों। तो आप लोग इस वीडियो को आखिरी तक देखते रहिएगा, बहुत मजा आने वाला है। मैं बात कर रहा हूं रत्नाकर उपाध्याय और आप देख रहे हैं यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल। चलिए कुछ अच्छा सीखते हैं। तो दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं इंस्टाग्राम की। किसकी बात करने वाले हैं? इंस्टाग्राम की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात बता दूं आप लोगों को कि जो हमारा इंस्टाग्राम है, जो हमारा क्या है, जो हमारा इंस्टाग्राम है वो हमारा एक मोबाइल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है हमारा इंस्टाग्राम? एक मोबाइल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसे हम लोग सिस्टम में भी यूज करते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो यूज करने वाले हैं, जो हमारे रेशियोज हैं इंडिया वर्ल्ड लेवल के, वो क्या है? मोबाइल के ज्यादा यूज करने वाले हैं। इसमें हम लोग आसानी से कोई भी फोटो अपलोड कर सकते हैं, कोई भी वीडियो अपलोड कर सकते हैं, हम लोग टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, स्टोरी ऐड कर सकते हैं। ये सारी सुविधाएं इसमें दी गई हैं, जो कि सारी सुविधाएं हम लोग लेते हैं किससे? फेसबुक से लेते हैं। उसी प्रकार हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं? अपने फ्रेंड से जुड़ सकते हैं, फैमिली से जुड़ सकते हैं, ये सारी चीजों को हम लोग देख सकते हैं, कर सकते हैं, जो हमारे फेसबुक में हमारा क्या है होता है। जैसे हम फॉर एग्जांपल की बात अगर हम लोग करें, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? लोगों को फॉलो करते हैं। जैसे उसमें हम लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट करते हैं, फ्रेंड एक्सेप्ट करते हैं, इसमें फॉलो करते हैं लोगों को, हम लोग क्या करते हैं अपने फ्रेंड्स को फॉलो कर लेते हैं, तो उसके सारे पोस्ट हमें मिलते रहते हैं, उसके सारे लाइक्स हमें पता चलते रहते हैं, वो कोई भी एक्टिविटी इंस्टाग्राम पे करता है तो पता रहता है। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर, इसको आप लोग यूज किया करिए। चलते हैं थोड़ी सी इसके डेप्थ में, थोड़े से इसकी बात करते हैं अंदर की। अगर तो सबसे पहले क्रिएटेड जो इसको जो बनाया था वो तो केविन सैंडस्ट्रॉम थे और माइक कैरियजर थे। कौन कौन था? केविन सैंडस्ट्रॉम थे और माइक कैरियजर थे, मतलब बात समझिए, ये दो लोग मिलकर इसको क्रिएट किए थे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप लोग सर्च करोगे कि फादर ऑफ इंस्टाग्राम गूगल पे, क्या सर्च करोगे? फादर ऑफ इंस्टाग्राम सर्च करोगे तो आप पाओगे मार्क जकरबर्ग, जिन्होंने फेसबुक का निर्माण किया था। लेकिन मैं बताऊं, जो क्रिएट किया था वो थे ये दोनों लोग थे। इसको स्टार्ट कब किया गया? 2010 में इसको स्टार्ट कर दिया गया था। कब स्टार्ट किया गया था इसको? 2010 में इसको स्टार्ट कर दिया गया। लेकिन सिर्फ और सिर्फ OIS मींस क्या हुआ, मैक का नाम आपने सुना होगा, मैक एंड टास्क, आईफोन का नाम सुना होगा, सिर्फ उसके लिए यूज होता था। 2010 में जो इसका OS था वो क्या था? मैक में यूज होता था। लेकिन 2012 की अगर मैं बात करूं तो 2012 में इसका एंड्रॉयड उपयोग भी शुरू हो गया, लोग यूज करना शुरू कर दिए। मतलब क्या हुआ कि 2012 में हम जैसे आप आम जनता लोग, एंड्रॉयड फोन वाले लोग यूज करना शुरू कर दिए। उसके बाद की बात करें, अगर हम इसके डेवलपर की बात करें तो फेसबुक ही इसका डेवलपर है, क्योंकि सबसे पहली जो सोशल मीडिया नेटवर्क है हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड की वो कौन है? फेसबुक है। उसके बाद से इंस्टाग्राम को डेवलप किया गया। इंस्टाग्राम भी काफी चर्चित है इस समय, आप इस पे सारे अपने फ्रेंड्स को आराम से फॉलो कर सकते हो, चाहे वो कोई भी सेलिब्रिटी हो, चाहे कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन हो, चाहे वो कुछ भी हो, आप लोग फॉलो एंड शेयर इसमें आसानी से कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो ये रहा हमारा इंस्टाग्राम का पूरा नॉलेज। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और हाँ दोस्तों, मैं एक बार बताऊं आप लोगों को, ये चीज बताना है कि इस वीडियो को देखने में अगर आपको कोई सुझाव देना है हमें, तो बिल्कुल आप लोग कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा दोस्तों। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।